वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको कच्चे आम से बने खट्टे मीठे गट्टागट बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ यम्मी होते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली बच्चों को। ये टेस्टी होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है, इनको खाने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं वो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाऊँगी, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर दो कच्चे आम लिए हैं, इसके हमें छिलके उतारने हैं। इस तरह छिलके आसानी से उतर जाते हैं, इसे हम केरी भी बोलते हैं कच्चे आम को। अब इस तरह हमें इनको कट करना है और बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे इनके हम। इन्हें मैंने कट कर लिया है, अब इसे हम पानी में उबाल लेते हैं। गैस पे मैंने पैन रखा है और एक गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। पानी को अच्छा गर्म होने देंगे। जब पानी अच्छा गर्म हो जाएगा तो जो केरी हमने बंदारी थी वो इसमें हम ऐड करेंगे। गर्मियों का मौसम आ रहा है तो खूब सारी कच्ची केरियाँ आती है, तो हम बहुत सारी उसकी रेसिपी बना सकते हैं, जैसे अचार, चटनी, कैंडी। कच्चे केरी की चटनी भी बहुत ही अच्छी बनती है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। वो चटनी जो है काफ़ी समय तक ख़राब भी नहीं होती है। तो चलिए, पानी बॉयल हो गया है, जो हमने केरी कट की थी वो इसमें हम डाल देंगे और इसे अभी हमें 5 से 7 मिनट तक पकाना है। पानी जो है अच्छा उबलने लग गया है, तो अब हम कम फ्लेम पे इसको 5 मिनट पकाएंगे और ढककर रख देते हैं ताकि केरी जो है अच्छी तरह से पक जाए। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, हम हिला देंगे, केरी जो है हमारी अच्छी तरह से पक गई है। इस तरह हमें इसको पकाना है। गैस की फ्लेम को अब हम कर देते हैं बंद और केरी को अब हम निकाल लेंगे इस तरह, पानी को इसी में रहने देंगे। केरी को हम अच्छे से पहले ठंडा होने देंगे। जब केरी ठंडी हो जाएगी तो हमें इसे मिक्सी में चलाना है 4 से 5 सेकंड के लिए। हमें इसका दरदरा पेस्ट ही तैयार करना है। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और एक पैन रखा है। अब जो कच्ची केरी की जो प्यूरी हमने बनाई थी वो इसमें अब हम ऐड कर देंगे। इस तरह हमें इसकी प्यूरी बनानी है, ज़्यादा हमें इसको ग्राइंड नहीं करना है। अब इसे हमें पकाना है कम फ्लेम पे, हम इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है गुड़। गुड़ को मैंने बारीक कर लिया है, ये अब इसमें हम ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करना है, जब तक कि ये गल नहीं जाए तब तक हमें इसको चलाना है। गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, शक्कर जो है नुकसान पहुँचाती है। गुड़ खाने के बहुत से फायदे भी है। गुड़ जो है पेट की समस्याओं को दूर करता है। काफ़ी हद तक गुड़ पिघल गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे काला नमक 1/2 टीस्पून। हमें इसमें काला नमक ऐड करना है, 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक, जो खाने का नमक होता है, और लगातार हम इसको चलाते जाएंगे। काला नमक पेट की समस्याओं को दूर करता है और काली मिर्च जो है पाचन शक्ति को बढ़ाता है। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा। सभी को मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून हमें डालना है हींग, 1/2 टीस्पून हमें इसमें डालनी है सौंठ। सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। बैटर जो है धीरे धीरे गाढ़ा होने लग गया है, ये देखिए। हमने इसमें अजवाइन ऐड की थी, अजवाइन भी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये पेट संबंधी प्रॉब्लम को दूर करती है, गैस, उल्टी, डायरिया जैसी बीमारी में भी राहत देती है। जीरा पाउडर भी कई बीमारियों में हमें राहत देता है, फायदेमंद होता है। सौंठ जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद होती है। लगातार हम इसको चलाते जाएंगे, जब तक कि ये मिश्रण कढ़ाई न छोड़े तब तक हमें इसको चलाना है। जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमने इसमें हींग भी डाली थी। हींग केवल हम टेस्ट के लिए नहीं डालते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। अपच, पेट दर्द, उल्टी जैसी समस्या को ये दूर करती है। अब थोड़ा हम डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची केवल खुशबू के लिए ही नहीं डाली जाती है, ये पेट की समस्याओं को दूर करती है।
हमने इसमें जो भी मसाले डाले हैं वो सब जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। रोज हमें एक गट्टागट की गोली खा लें तो कोई शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि फायदा ही करती है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। खाना खाने के बाद हमें एक गट्टागट की गोली खा लेना चाहिए। मिश्रण जो है हमारा काफी गाढ़ा हो गया है, बस थोड़ा सा ही हमें इसे और पकाना है। हमने इसमें डाला था कच्चा आम यानी कच्ची केरी, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। एक बात का हमें इसको ध्यान रखना है बनाते समय कि हम ये जिस भी बर्तन में बनाए या तो वो नॉन स्टिक हो या फिर मोटे पेंदे का हो। ये देखिए मिश्रण जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह ये देखिए तले को छोड़ने लग गया है। अब इस पोजीशन में हम गैस को बंद कर देंगे, इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। मिश्रण हमारा ठंडा हो गया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिए पीसी हुई शक्कर। अब थोड़ा सा हम चम्मच से इसको हाथ में लेंगे बैटर को। थोड़ी सी मैंने हाथ पे शक्कर लगाई है और ये बैटर हम इस पे रख देंगे ताकि ये छिपके नहीं। ये आप देखिए बड़ी आसानी से बन जाता है। इस तरह हमें इसकी गोली बनानी है और थोड़ा सा हम इसको शक्कर में लपेट लेंगे जिससे कि ये चिपके नहीं। साइज आप अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह हल्का सा हम इसको लपेट लेते हैं शक्कर में। इस तरह हम हाथ से ही ले लेंगे। अब ये ठंडा हो गया है तो बड़ी आसानी से बन जाती है इसकी गोली। यदि आपको बनाने में दिक्कत आ रही है या हाथ पे चिपक रहा है तो आप हल्का सा घी लगा के और फिर बना दीजिए। इस तरह देखिए बड़ी आसानी से बन जाते हैं। हल्का सा हम इस पे शक्कर लपेट लेंगे। इस तरह थोड़ा सा हम लेंगे और हाथ पे लगाएंगे। और इसको अब हम इस तरह प्रेस करेंगे। और अब शक्कर पे लगा देंगे। इस तरह हमें सभी गट्टागट बना के रखने हैं। ये देखिए बहुत ही मजेदार, टेस्टी, यम्मी, चटपटे, स्वाद से भरपूर, खट्टे मीठे, स्वास्थ्यवर्धक खट्टे आम के गट्टागट जो है हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और साथ ही साथ शरीर को भी बहुत ही फायदा करते हैं। बच्चे भी यदि खाएंगे ना तो बहुत चटकारे ले लेके खाएंगे। जरूर आप एक बार बच्चों को बनाकर खिलाएं। इन गट्टागट को आप एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख दें, ये साल भर तक भी खराब नहीं होंगे। गट्टागट बनाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम इसको पकाएंगे तो हमें मोटे पेंदे की कढ़ाई लेनी है और इसको हमें लगातार चलाते रहना है ताकि जो है मिश्रण तले से लगे नहीं। और जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा फिर ही हमें इसकी गोलियां बनानी है। बड़ी आसानी से गोलियां बन जाती है। यदि नहीं बने थोड़ा सा शक्कर का पाउडर लेके हम उसकी हेल्प से भी गोली बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।